हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड यहाँ पे 15 साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है, ठीक है जी। आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट मिलेंगे और बिल्कुल पेपर पैटर्न बिल्कुल क्वेश्चन आवे, ठीक है। हालांकि आपका 10 नंबर की साइंस पूछी जाती है, यहाँ 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा का प्राकृतिक तथा सबसे बड़ा स्रोत है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बताइए जरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्य। लिखा हुआ था आप जिस पर सेंटीग्रेड व फॉरेनहाइट आपके पैमाने समान पाठ्यांक बताते हैं, तो भाई ये तो क्वेश्चन सबको आता होगा। -40 डिग्री सेल्सियस पर -40 होता है। एक रोगी का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है, फॉरेनहाइट पैमाने में उसका ताप कितना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 104 डिग्री फॉरेनहाइट। आपने पढ़ा होगा C/5 F-32/9 इसी प्रकार से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं। अब लिखा 2000 डिग्री सेल्सियस ताप के मापन के लिए उपयुक्त तापमापी है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 99 नंबर है, तो गैस तापमापी है, ठीक है। सूर्य का ताप मापा जाता है, सूर्य का ताप मापा जाता है, चार ऑप्शन देखिए। देखो भाई जो सूर्य का ताप होता है वो पायरोमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर मतलब हो जाएगा, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं जो उच्च तापमान होता है, काफ़ी तापमान को मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परम शून्य के निकट तापमान को मापने के लिए उपयुक्त तापमापी है, 101 नंबर प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा चुंबकीय तापमापी। पारे के तापमापी से अधिकतम ताप मापा जा सकता है, 102 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा डी 5 डिग्री सेल्सियस। पारे की जो तापमापी होता है उससे कितना अधिकतम ताप मापा जा सकता है, केवल 5 डिग्री सेल्सियस। तापमापी के पारे के स्थान पर जल प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 103 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सभी, क्योंकि यह पारदर्शक है, इसका प्रसार कम तथा असमान है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा तथा वाष्प दाब अधिक होता है, ठीक है। 134 डिग्री फॉरेनहाइट ताप को केल्विन पैमाने में बदलने पर क्या हो जाएगा बताइए, राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा बताइए जरा। 104 के यहाँ पे ए पार्ट 329.6 डिग्री केल्विन। अब दिया गया पानी सदैव उबलता है, पानी के सदैव उबलता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इसका संतृप्त वाष्प दाब तथा सतह के बाह्य दाब से कम होता है, तब आपका पानी उबलता है। अगला देखते हैं। चलो अगला प्रश्न आपके यहाँ पे दिया गया, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र बनता है, क्योंकि इसका रीजन क्या है, प्रेशर कुकर में जो खाना है वो शीघ्र बनता है, इसका राइट ऑप्शन देखो क्या होगा, क्योंकि कुकर के अंदर जो दाब में वृद्धि होने के कारण ही आपके पानी के, जब दाब में वृद्धि होगा तो पानी क्वथनांक में वृद्धि होगी, तो ये ऑप्शन राइट है, इसलिए प्रेशर कुकर में जो खाना होता है वो शीघ्र आपका बनता है। 107 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा चालक है, 107 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर सी ऑप्शन चांदी जो होता है, ए जी ठीक है, चांदी ऊष्मा चालक है। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, यहाँ पे आपका अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये क्वेश्चन आपने काफ़ी पढ़ा होगा। सूर्य से पृथ्वी पर प्रति वर्ग मीटर ऊष्मा पहुँचती है, किलोवाट में बताइए कितना होता है, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोवाट, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस ताप के पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस ताप की भाप अधिक ज्वलनशील होती है, क्योंकि देखो भाप में क्या होता है कि भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, भाप में क्या होता है कि गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट होती है, जो ऊष्मा सूत्र पढ़ा होगा Q/ml, जहाँ L होती है लीटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा, तो L बराबर हो जाएगा Q/m हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लगभग 15 क्वेश्चन कराए थे साइंस के, अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको प्लेलिस्ट इसकी चाहिए तो चैनल बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, तो मैं आपको सीधा लिंक दे दूंगी, या फिर दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि आप एग्जाम गुरु यहाँ पे लिख के आ रहा होगा वीडियो के नीचे देख लीजिएगा, सब्सक्राइब भी लिख के आ रहा होगा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एग्जाम गुरु में जब जाएंगे तो ऊपर क्लिक करिए, पहले क्लिक करें तो होम वीडियो प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट में अपनी इच्छा अनुसार प्लेलिस्ट सबसे ऊपर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के मिल जाएंगे, तो आप अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं जो आपको देखना हो।